हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। लेकर आ गए हो फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आपको माँ दुर्गा की उपासना के लिए खास महत्व रखने वाले नवरात्रि, इस टाइम चल रहे हैं दोस्तों। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में जाकर माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। हरिद्वार में भी कई मंदिर और सिद्धपीठ हैं जहाँ माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक मंदिर बेहद ख़ास है जिसे दक्षिण काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार नजामाबाद हाईवे से चीला जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यह चंडी देवी पैदल मार्ग के सामने स्थित है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मंदिर जाने के लिए वाहन आसानी से मिल जाते हैं। यह बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो किसी मंदिर का नाम उसमें रखी मूर्तियां और भगवान के नाम पर रखा जाता है, लेकिन हरिद्वार का यह मंदिर अपने मुख की वजह से जाना जाता है, जिसमें माता की मूर्ति का मुख तो पूर्व दिशा की ओर है, लेकिन मंदिर का नाम दक्षिण काली मंदिर है। मान्यता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मुराद जरूर पूरी होती है। मंदिर में स्थापित माँ काली की प्रतिमा का मुख पूर्व की दिशा की ओर है, लेकिन गंगा की दिशा यहाँ दक्षिण की ओर है। यही वजह है कि इस मंदिर को दक्षिण काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश दुनिया से लोग दक्षिणमुखी माँ काली के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर 9 दिन नहीं बल्कि 15 दिन तक विशेष पूजा चलती है। मंदिर के अगर पौराणिक इतिहास की बात करें अगर दोस्तों, तो इस मंदिर की स्थापना बाबा कामराज जी ने की थी। कहते हैं कि माँ काली ने उन्हें स्वप्न में इस मंदिर की स्थापना करने के निर्देश दिए थे। इस मंदिर के गर्भगृह में कोने में 2700 साल पुराना त्रिशूल आज भी लगा हुआ है। नवरात्रि के अलावा प्रत्येक शनिवार को माता की विशेष पूजा होती है। इसमें माता को गुलाब, पान के पत्ते, जामुन, फूल चढ़ाया जाता है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाएँ पूरी होती है। सो गाइज, आप सामने आप देख सकते हैं नीलधारा नदी मंदिर के पीछे बह रही है, और पहाड़ी पर आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी टेम्पल। यहाँ पर जो नीलधारा नदी है मंदिर के पीछे बैक साइड में, यह उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम दक्षिण मुखी काली मंदिर है। हालाँकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर है दोस्तों। यहाँ पर नाग नागिन के जोड़े भी रहते हैं, साथ ही अजगर भी यहाँ पर निवास करता है। हालांकि ये किसी को नज़र नहीं आते हैं, केवल सावन के दिनों में ही यह दिखाई देते हैं। आज तक इन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। सो गाइस, आप इस मंदिर तक कैसे पहुँचेंगे? वैसे तो वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार नजामाबाद हाईवे से चीला जाने वाले मार्ग पर आना होगा। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो या टैक्सी से आप आसानी से यहां पर पहुंच सकते हैं। यह चंडी देवी पैदल मार्ग के सामने ही स्थित है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता की, जय माँ काली, जय उत्तराखंड।